नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की, हमारा अतीत एक के नाम से जो आपकी पुस्तक है उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इसके व्यापारी और राजा और तीर्थयात्री जो चैप्टर था इसे देखा था। इसमें बात करेंगे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। याद रखिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ कि कक्षा 8वीं तक इतनी सरल शब्दों में लिखी गई हैं किताबें कि आपको आराम से समझ में आ जाएंगी एक दो बार सुनने से या पढ़ने से। ठीक, जो शब्द नहीं आएंगे वो बता दूंगा। ठीक है, अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रू पहले कागज में लिपटी तलवार को सांस से पकड़कर चहल कर्मी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कठिन पाठ भी करना होगा, कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हमें सस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में लिखा गया कोई बात अभिलेख, उसे कहते हैं प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्तियां लिखने का विचलन पहले भी था, जैसा कि आपने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा युद्धों को जीतने वाला राजा विद्वान एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है नीचे, योद्धा समुद्रगुप्त जिसका शरीर मैदान में कुठारों कुल्हाड़ियों तीरों भालों और बर्शों तलवारों लोहों की गदाओं नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। तो ये समुद्रगुप्त को बहुत बड़ा आगे दिखा रहा है। यह वर्णन उस राजा के बारे में बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध में लड़ता था, किस प्रकार वो शक्तिशाली था, उसका महिमा मंडल किया जा रहा है। पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देख लीजिए, प्रमुख नगर और राज्य फिर बताते हैं। ये आपका थानेश्वर है, ये आपका कन्नौज है, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, भरूच, ये आपका बल्लवी, सातवाहन, अजंता यही है महाराष्ट्र में, अमरावती, एहोल, चालुक, पल्लव, कांचीपुरम, चोले यही माधुरे, पांडव, चेर। ठीक, याद रखना आपको क्या रखना है, याद कि पहले उपमहाद्वीप भारत एक उपमहाद्वीप था, इसमें आपका पाकिस्तान भी शामिल था, आपका भारत भी शामिल था, नेपाल शामिल था, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका इसमें शामिल थी, याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कुछ जानकारी। तुमने मानचित्र 7 देखा है, पूर्वी समुद्री तट के सहारे क्रम में लाल बिंदु देखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र में बैंगनी और नीले रंग के भी बिंदु देखेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके पति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है।
मानचित्र में हरे रंग का चित्र आर्यावर्त के उन नौ शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापद के 12 शासक आते, इनमें से कुछ ही राज्य की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा हुआ है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। वाह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये आप देख रहे होंगे बीड़ा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देख लिया है मैप, ठीक। अब बात करते हैं विक्रम संवत, देख लीजिए फिर आगे देखते हैं। 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वंशावलियां अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्र के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख किया गया। इसमें इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। चंद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बारे बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। इसके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा है कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। इसमें विषय में जानकारी हम लोग अध्याय आगे देखेंगे 11। हर्षवर्धन और हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि थे वाणभट्ट जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। किसने? वाणभट्ट ने। ठीक है, इसमें हर्ष की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन तेस्यांग जिनके बारे में तुमने अध्यायों में पढ़ा है काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां से जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वह थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलताएं मिली थी उतनी सफलताएं अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसे? हर्ष को। ठीक है, अब बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था।
जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, याद रखना है, क्या थी? एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ कई मंदिर मिले। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। इनकी राजधानियां थी जो वो समृद्ध थी। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति पत्र से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि कौन थे? दरबारी कवि रवि कीर्ति। ठीक है, उनके पूर्वजों और खास तौर से पिछली चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है, हर्ष का मतलब होता है आनंद। ठीक है, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कक्षा सातवीं की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर सृष्टि यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था, कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक, आगे बात करते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसके युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। ठीक, फिर आपका दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है हमें। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे हम सभा कहते थे इस समय। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम था। ठीक है, नगरम पूछे जाता है कई बार कि नगरम किसे कहते हैं, किससे संबंधित है, तो आपको बता देना है नगरम व्यापारियों के एक संगठन का
नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवति की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम किसका है नाटक? कालिदास का, याद रखना। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई। ठीक, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, कहानी है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी की बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। इसमें नया क्या है? देखिए, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ ही इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए। एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। ठीक, अब चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। समझ में आया? बहुत पहले से छुआछूत चला आ रहा है। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह है करने के लिए ये लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह वार्ड भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा संजीव चित्रण किया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने की सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि शामिल थे। विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार और नगाड़े, बिगुल तथा बुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपने शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों को झोपड़ियां, हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी इस समय। ठीक, अरब मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है।
लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि परी माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिखाया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाली वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्ति भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्य और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपहास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इन नए धर्मों को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज का जो पाकिस्तान में, को जीता था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आपके उपयोगी शब्द हैं जो देख लिए, प्रशस्ति के बारे में देखा है, आर्यावत, दक्षिणापद, वंशावली के बारे में, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। ठीक है, ये आपके कुछ वैकल्पिक क्वेश्चंस हैं अभ्यास के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड करते रहिए। तो ये था हमारा नए साम्राज्य और राज्य। आगे हम लोग बात करेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबों के बारे में। ठीक है।